जाने के लिए चले गए। पार्वती जी को अकेले छोड़ के पार्वती जी क्या करें, उन्होंने सोचा मैं कमजोर हम लोग साथ खेल लूं। उन्होंने बोला कैलाश भगवान अगर आप ही मेरे को एक पुत्र देते तो कितना अच्छा होता, मैं उसके साथ खेलती। एक दिन वो सरोवर गए, सरोवर में उन्होंने अपने शरीर को बहुत घिसा बहुत घिसा, उसमें से जो चंदन निकला उसमें से एक गुड्डा बन गया। वो गुड्डा बहुत ही सुंदर था। पार्वती जी ने उस गुड्डे के अंदर जान डाली, वो गुड्डा एक असली का लड़का बन गया। पार्वती जी उस गुड्डे को प्यार करने लगी और एक दिन पार्वती जी ने बोला मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। उसी दिन शिव जी आए, शिव जी ने बोला ये मेरा घर है, मेरे को जाने दो अंदर। पार्वती बोला नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ यहाँ पर अंदर नहा रही है, मैं नहीं जाने दूंगा। शिव जी को गुस्सा आया, शिव जी ने अपनी सेना भेजी और सब घिसा सेना बालक से हार गए। शिव जी ने सोचा मैं अभी के अभी इस बालक को सबक सिखाता हूँ। शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंका, वैसी बालक का सर कट गया। ये देख के पार्वती जी रोने लगी, तुमने क्या किया ये मेरे पुत्र को, तुमने मार डाला मेरे पुत्र को। शिव जी को बहुत पछतावा हुआ। शिव जी ने बोला अपनी सेना को जाओ, जो भी पहले जीव मिले उसका सर काट के ले आओ। शिव जी की सेना को सबसे पहले हाथी मिला। शिव जी की सेना ने हाथी का सर काट के शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने हाथी का सर उस बालक के ऊपर लगा दिया और उसको जीवित कर दिया और उस बालक का नाम रखा गणेश। ये था गणेश जन्म, ये था गणेश जन्म। जय गणेश, धन्यवाद गणपति पापा।